भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल ने अपनी राजनीति और पार्टी की नींव रखी वो इतनी मजबूत साबित हुई कि दिल्ली में उसे कोई हिला नहीं पाया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते, वोट लेने के लिए राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू-तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ हम गाली गलौज करने नहीं आए, हम शरीफों की पार्टी है। केजरीवाल न सिर्फ 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं बल्कि दिसंबर 2022 में उन्होंने 15 साल से बीजेपी के कब्जे में रही एमसीडी को भी छीन लिया था। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की आवाज में इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल के नाम की दीवार को तोड़ पाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो चुका है। संकट कई तरह के हैं। पहला संकट तो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक चेहरा है, अरविंद केजरीवाल ही पार्टी के बैनर से लेकर चुनाव प्रचार तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हर पोस्टर तक। दूसरा संकट ये है कि ऐन चुनाव से पहले पार्टी का सबसे ताकतवर चेहरा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। ये पार्टी की सोच, पार्टी के मोटो और पार्टी की पहचान को धक्का पहुंचाने वाला है। धक्का पहुंचाने वाला इसलिए क्योंकि साल 2011 में पहली बार देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हुआ था। 2011 में अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप बनाया था। जन लोकपाल विधेयक की मांग लेकर अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, लेकिन अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। अक्टूबर 2012 को केजरीवाल ने राजनीतिक दल का गठन किया। 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई गई। 2013 में 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित को हराकर केजरीवाल ने देश को चौंका दिया था। 2013 में केजरीवाल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना दिया।